व्हाट इज़ अप दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आज हमारे सामने है टाटा पंच का, यार ये प्योर वाला वेरिएंट एंड थोड़ा सा मतलब बेस से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। एंड सारी चीज़ें डेफिनेटली कवर करने वाले हैं कि किस प्राइस पॉइंट में टाटा यहाँ पे आपको क्या चीज़ देने वाला है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। एक्स शोरूम है 6 लाख एंड आपको ऑन रोड जो पे करना पड़ेगा दैट इज़ अराउंड 6,65,000, 6,66,000, थोड़ा बहुत स्टेट वाइज ऊपर नीचे हो सकता है। तो 6,65,000 में ऑन रोड हो जाएगी गाड़ी आपकी। तो टाटा पंच में यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, गाड़ी के कीज़ आपको देखने को मिल जाता है। वेल आपको सिंपल से मतलब वो रिमोट की तो नहीं आते हैं आपको, बस वो प्लेन से की आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके अलावा देख सकते हो यार, फ्रंट लुक डेफिनेटली ज़्यादा बोल्ड तो नहीं कह सकते बट आपको डिसेंट एज कम्पेयर टू द जो इसके कंपैरेटिवली जिसके कॉम्पिटिशन्स में है अदर ब्रांड्स की जो भी गाड़ियाँ जैसे स्विफ्ट है या जो भी है, तो उसके हिसाब से जो इसकी हाइट है वो आपको ज़्यादा फील होगी। एंड इसका जो हुड है वो भी आपको थोड़ा अग्रेसिव देखने को मिलेगा, बिल्कुल प्लेन वाला नहीं आता है, हल्का सा आपको थोड़े से अग्रेसिव यहाँ से उठा हुआ है, तो इस टाइप के लुक्स देखने को मिलेंगे। एंड जो यहाँ पे देख लेते हैं यार, हेडलैम्प आपको यार है तो यार रिफ्लेक्टर वो हेलोजन वाला देखने को मिलेगा, बट एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे एयर कर्टेंस देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल लैम्प के साइड में। तो यार ये बाकी मतलब इसके कॉम्पिटिशन में जो यार अदर वो हैं गाड़ियाँ वहाँ पे नहीं आते हैं, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड जो यार इंडिकेटर है ये भी आपको रिफ्लेक्टर वाला देखने को मिलेगा। फॉग लैंप वैसे इस वाले वेरिएंट में नहीं आते अभी, जैसे डीलर ने इंसर्ट किए हैं, तो ये आपको नहीं मिलेंगे। बाकी चीज़ें आपको एज इट इज़ ही देखने को मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है वो ग्लॉस फिनिश में है। एंड यहाँ पे जो ग्रिल है वो आपको यार ट्रायर वाले देखने को मिलती है यहाँ पे, तो आपको यार ना ये प्लास्टिक वाला फील देगा, मतलब ग्लॉस फिनिश में नहीं आता। ये वाला पूरा पैनल आपको प्लास्टिक वाला देखने को मिलेगा। ये वाली ग्रिल काफ़ी ज़्यादा वाइड है एंड इसमें इसके लिए आपको रेडिएटर विजिबल भी होता है। साइड से देख लेते हैं बॉयज, जो ORVM है वो आपको यार ये ग्लॉस में नहीं आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं ब्लैक कलर के। एंड व्हील आर्च आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये भी यार वही प्लास्टिक वाली फील आपको देखने को मिलेंगे। 15 इंच के आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली कंपेयर करोगे आप ना इस सेगमेंट में जो अदर मार्केट में गाड़ियाँ आपको, उसमें 14 इंच वाले ही व्हील देखने को मिलते हैं, बट यही आता है यहाँ पे आपको 15 इंच के व्हील देखने को मिलेंगे। व्हील कवर यार इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा, या आपको मतलब डीलर से या वैसे लगवाना पड़ेगा, बट आपको ये वही टायर्स स्टील रिम वाले देखने को मिलेंगे। एंड देख सकते हैं यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैप भी है, साइड ग्लाइडिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे यार, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। प्लास्टिक वाला पार्ट है, ये टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बी पिलर आपको यहाँ पे हल्का सा, ये भी यार मतलब मैट नहीं है, प्लास्टिक वाला फिश देखने को मिलेगा। और दो यार यहाँ पे डोर हैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये भी यार पूरा प्लास्टिक वाला पैनल है। ऊपर यहाँ पे यार रूफ रेल अभी तो यार यहाँ पे ऑब्वियसली इंसर्ट किए हैं जैसे फॉग लैम्प के थे, यहाँ पे डीलर ने लगाए हैं, बट आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे इस वाले वेरिएंट में प्योर वाले में। बट ठीक है, इसको करोगे आपको क्लीन लुक्स देखने को मिलेंगे। जो ये डोर हैंडल है वो भी प्लास्टिक वाला है। एंड साइड वाला प्रोफाइल देख सकते हो, लेंथ में ऑब्वियसली ठीक ठाक है, आपको डिसेंसी देखने को मिलती है। जो पीछे वाला है लाइट वाला सेटअप है वो रिफ्लेक्टर बेस ही देखने को मिलता है, तो मतलब LED वाला नहीं आता है। एंड एक रिफ्लेक्टर यहाँ भी देखने को मिलेगा। जो फ्रंट में ग्रिल थी ना ट्रायरो वाली, जो मतलब ट्रायंगल से डिज़ाइन था, वही आपको यहाँ पे टेक्सचर से देखने को मिलेगा। पूरा पार्ट ये प्लास्टिक वाला है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कैमरा यहाँ पे अभी लगा हुआ है बट आपको वेरिएंट में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो पंच यहाँ पे बैजिंग है, सेंटर में टाटा का लोगो है। पीछे वाली जो विंडशील्ड है यार पूरी क्लीन देखने को मिलेगी, डिफोगर एंड वाइपर नहीं देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, यार थोड़ा बेस वाला मॉडल है ये। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और तो बस क्या ही बात करें, ये कुछ इस टाइप के लुक्स देखने को मिलेंगे। बूट में देख लेते यार कितना स्पेस है, तो यार इजीली यार एक ही क्लिक से ये हो जाते हैं ओपन। डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, डेप्थ आपको डेफिनेटली फर्स्ट लुक में आप जैसे ओपन करोगे डेप्थ आपको फील हो जाएगी, क्योंकि यार देख सकते हो यार मेरा हाथ भी, मैं पूरा यहाँ पे जरूर यहाँ तक हरा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डेप्थ है। तो स्पेस डेफिनेटली बड़ा है डेप्थ की वजह से, बट यार थोड़ा सा ना एक फीडबैक होता है कुछ यूज़र्स का कि आप सामान रखते हो वगैरह रखते हो यहाँ पे कुछ स्क्रैच आ गए कुछ आ गए, बट लोग मैनेज कर लेते हैं वो चीज़ भी। देख सकते हो स्पेस एडिशनल चीज़ें लैंप्स वगैरह तो नहीं है, बट आपको एक हुक यहाँ पे, एक हुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्पेयर व्हील की मैं बात करूँ तो स्पेयर व्हील होगा यहाँ पे नीचे, उसी के ऊपर यार ये वाला जो पार्ट है यार पूरा इंसुलेटर देखने को मिलता है, बट ये जो मतलब प्लास्टिक वाला फिनिश नहीं, यहाँ पे वो फैब्रिक जो हार्ड फाइबर होता है वो यहाँ पे पैनल लगा है। कुछ यार जो ग्रैब करने के लिए स्पेस है यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है जैसे कि साइड्स में होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जो डोर है यहाँ पे आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा ठीक है डिसेंट सा लुक में लगेगा आपको। एंड जो यहाँ पे ऑप्शंस है आपको यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे है, ट्विटर यहाँ पे है, वेल इस वाले वेरिएंट में आता नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ हाउसिंग देखने को मिलेगी, वो भी यार डीलर ने एडिशनल ही लगाया हुआ है।
तो ठीक है, आपको मतलब हाउसिंग तो देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे दोनों पावर विंडो यार फ्रंट में आपको देखने को मिलती है, तो दोनों उसके बटन देखने को मिलेंगे। एंड ये वाला ऑटो डाउन, ऑटो अप, मतलब ऑटो अप ऑटो डाउन वाला नहीं आता है, बट यहाँ पे जो ये वाला मटेरियल है आपको पूरा प्लास्टिक वाला फिनिश की, मतलब वो प्लास्टिक वाला ही पार्ट है ये। एक बोतल होल्डर है नीचे, बोतल होल्डर के अलावा भी एक और स्पेस, मतलब कुछ अलग से कंपार्टमेंट है। और एक आपको अम्ब्रेला होल्डर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये आपको तीन कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और तो मैं बात क्या करूँ, जो ड्राइवर साइड में जो एक्सेस किए है यहाँ पे चीज़ें, आपको एक एसी वेंट यहाँ पे देखने को मिलता है यार, वो रेक्टेंगल से शेप का, सेम जो यहाँ पे टोन था ना विंडो पे वाइट वाला, वही आपको नीचे यहाँ पे टेक्सचर देखने को मिलता है प्लास्टिक का। और यहाँ पे यार वो इकोनॉमी वाला ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ना एलिवेशन लाइवली लाइट भी है कि ऑन है ऑफ है, तो आपको यहाँ पे वार्निंग भी दे देता है। उसके अलावा एक और यह जो स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है फ़ोन वगैरह या कुछ एडिशनल सामान कैरी करने के लिए। प्लस पॉइंट ये है बॉय, जो की होल है उसके अराउंड आपको इल्यूमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड इस वाले वेरिएंट में आपको डेड पेडल भी देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है यार, अच्छी चीज़ हो गई है। एक बार अंदर बैठ के देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या है कैबिन में। कैबिन में दोस्तों सबसे पहले स्टेयरिंग देख लेते हैं, तो आपको वही टिपिकल थ्री स्पोक वाला देखने को मिलता है। इस स्टेयरिंग पे आपको ये मतलब लेदरेट तो नहीं आता, प्लास्टिक वाला यहाँ पे मटेरियल है। तो हॉर्न्स एंड एक सेंटर में टाटा का लोगो, यही आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कंट्रोल्स वगैरह, मतलब स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। और वाइपर्स के कंट्रोल आते हैं यहाँ पे, राइट में आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं। जो क्लस्टर में की बात करूँ तो एक वर्केबल MID आपको सेंटर में देखने को मिलती है। एंड उसके अराउंड जो भी वार्निंग्स एंड टैकोमीटर की जो वार्निंग वो भी इल्यूमिनेशन के साथ देखने को मिलती है। और स्पीडोमीटर तो आपको यार वही नंबर वाला देखने को मिलेगा, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए वही आपको यार वो स्टिक देखने को मिलती है दोनों ही साइड, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस है। टेम्परेचर दिखा रहा है, एवरेज आ गई है, ट्रिप बी, ट्रिप ए, फ्यूल इकोनॉमी, एंड फिर से टेम्परेचर आ गया। एंड राइट लेफ्ट साइड वाले से देख लेते हैं क्या एडजस्ट होता है। तो यहाँ से आई गेस सिर्फ ये टाइमर सेट करने के लिए, मतलब टाइम चेंज करने के लिए ठीक है यार। बेसिक सी चीज़ें आपको ट्रिप्स एंड एवरेज वगैरह देखने को मिलेगी, कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है क्लस्टर में। बट गाड़ी में यार जो सेफ्टी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, भर भर के वो सेफ्टी फीचर वहाँ पे एक्सटर्नल देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको ठीक है बेसिक सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सेंटर में यार कंसोल आपको इसको ना ही देखो तो अभी बेटर, क्योंकि ये सारे वेरिएंट में आता नहीं, अभी ये डीलर ने लगा हुआ है एडिशनल। बट यहाँ पे आपको नीचे दो एसी वेंट और एक फिजिकल बटन देखने को मिलता है 1000 लैंप का। नीचे जो भी बटन से एसी वाले आपको सारे यार फिजिकल बटन देखने को मिलेंगे, वो टच वाले नहीं आते हैं, तो यार ये ठीक है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती पर्सनली। फैन स्पीड, टेम्परेचर एंड जो भी एयर कंट्रोल्स एंड डिफोकर वगैरह ये देखने को मिल जाएंगे। नीचे है कुछ और स्पेस, बट एक और जो स्पेस आपको यहाँ पे मतलब मोबाइल वगैरह करने के लिए कैरी करने के लिए होगा, चार्जिंग सपोर्ट, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 12V का एक सॉकेट सिर्फ। यहाँ पे USB A या टाइप सी का कुछ सपोर्ट नहीं आता इसमें। एंड 5-speed का गियर बॉक्स है। जो लीवर है वो आपको यार पूरी यार वो ग्रिप से मतलब प्लास्टिक वाली फील देगा यहाँ पे। एंड नीचे यार ये वाला पार्ट ऑब्वियसली लेदरेट है, कुछ ग्लॉस फिनिश भी है, तो ये वाला जो बॉक्स है ठीक है थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना ये ग्लॉस है इस वजह से थोड़ा प्रीमियम है, बाकी पूरी चीज़ आपको प्लास्टिक वाली फील देगा। पीछे है दो कप होल्डर। उसके अलावा जो यार यहाँ पे हैंड ब्रेक है वो आपको ये मैनुअल वाला देखने को मिलेगा, जो उसका जो टिप है ना ये क्रोम वाला देखने को मिल जाता है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ है। एंड आर्म रेस्ट यहाँ पे नहीं आता है। जो यार आयरवे में आपको सिंपल सा देखने को मिलेगा ये वाला। एंड जो रीडिंग लैंप है वो आपको हेलोजन बेस देखने को मिलता है, LED वाला नहीं है ये। कुछ यहाँ पे स्पेस है, मतलब जो अपर वेरिएंट आते हैं वहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे लगे होते हैं स्विचेस वगैरह, बट ये वाला क्लीन है अभी। सनवाइजर आ गया है, ये भी क्लीन है। यहाँ पे मतलब कुछ वो क्या बोलते हैं वेंटिंग मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। एंड लेफ्ट से कुछ डिसेंटली है, काफ़ी अच्छा है यार, अबाउट 80% इसको ब्लॉक ही कर लेता है साइड से। एंड जो ड्राइवर वाला है वहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। एंड ग्लव बॉक्स देख लेते हैं बॉय, तो टाटा यार ग्लव बॉक्स में तो काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड देख सकते हो सॉफ्ट ओपनिंग नहीं है, बट ये देखोगे जो स्पेस है उसमें कोई कमी नहीं है। स्पेस के अलावा एडिशनल चीज़ें जो मैं बात करूँ, एक पेन होल्डर है यहाँ पे एंड एक कंपार्टमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। और तो बॉयज क्या ही बात करें, फ्रंट कैबिन हमने देख ली सारी चीज़ें। सीट यार अभी तो यार फैब्रिक वाला ऑप्शन ही आता है इसमें, एडिशनल अभी कवर लगाए हुए हैं, बट आपको फैब्रिक वाला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्ट आप सीट की नहीं कर पाओगे इस वाले वेरिएंट में, वो अपर जो मॉडल आता है यार वेरिएंट आता है पंच का, उसमें ऑप्शन आता है। बट यहाँ पे आपको ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। एंड आपको मतलब दोनों ही सीटें 6 वेज में फॉरवर्ड बैकवर्ड रिक्लाइन एंड जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। अब पीछे देख लेते हैं कितना स्पेस है। तो दोस्तों जो लेग रूम है वो भी आपको डिसेंट सा देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं। एंड इजीली यार 3 लोग तो बैठ सकते हैं यहाँ पे पीछे मतलब, बट ठीक है
थोड़ा सा मतलब अच्छे हाइट के यार दो बंदे बैठ पाएंगे एंड थोड़ा सा मतलब आप एडजस्ट करके तीन लोग भी बैठ सकते हो। एंड पीछे ये वाला स्पेस पूरा ही क्लीन है, कुछ ग्रैब करने के लिए यहाँ पे हैंडल है दोनों ही साइड। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी का कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ से जो मैं एक डोर की बात करूँ, आप डोर पर देख सकते हो ट्विटर है, स्पीकर है, कुछ बोतल होल्डर भी है एंड आपको यार वो मैनुअल लीवर देखने को मिलता है शीशे वो रोल्स एंड मतलब रोल करने के लिए ऊपर नीचे। एंड देख सकते हो जो सीट की क्वालिटी की मैं बात करूँ एंड जो मतलब फैब्रिक में ही आती है ये वाली, बट इसके जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। इवन यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बट जो एंगल है यार सीट्स का वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब ये वाली विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एक आप अच्छे पोस्चर में बैठ जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। एंड पावर फिगर्स देख लेते हैं यहाँ पे, जो भी यार 1.2 लीटर का इंजन है वो इंजन एक बार देख लेते हैं हुड के नीचे क्या है। तो दोस्तों जो इंजन है वो आपको 1.2 लीटर का यार थ्री सिलेंडर वाला नेचुरल एस्पिरेटेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी जो यहाँ पे क्लेम करती है पावर फिगर्स वो आपको देखने को मिलेंगे 87 bhp के विद अ टॉर्क ऑफ 115 115 का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल प्लेसमेंट देख सकते हैं कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी एंड जो इंसुलेशन है मतलब जो बोनेट आपको इंसुलेटेड देखने को मिलता है। तो ओवरऑल चीज़ें बॉयज़ दोस्तों यही थी गाड़ी में। इफ इनकेस आपको कुछ सजेशन है गाड़ी में कुछ रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए। थैंक यू।